हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज मैं आपके सामने अक्टूबर 2018 का करंट अफेयर्स लेकर आई हूं, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हम पार्ट वन में कर चुके हैं। आज हम आर्थिक और वैज्ञानिक घटनाक्रम पढ़ेंगे पार्ट टू में। इस करंट अफेयर्स की खास बात यह है कि ये प्री एज वेल एज मेंस के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वन लाइनर जीके जो कि प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है वो मैंने दिए हैं, प्लस वर्बली मैंने मेंस के लिए जो इम्पॉर्टेंट हम आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं वो फैक्ट्स भी मैंने आपको इसमें बताए हैं। ये मेरे करंट अफेयर्स के जो वीडियो हैं ये काफ़ी लेंदी होंगे, लंबे होंगे, क्योंकि मैंने इसमें ए टू जेड इंक्लूड किया है। इसके अलावा आपको कुछ भी कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो भी चीज़ें इंक्लूड हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और कोई भी इन्फॉर्मेशन इसमें छूटी हुई नहीं है अक्टूबर मंथ की। तो इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की, कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अक्टूबर ख़त्म होते ही मैं इसकी पीडीएफ आपको डाल दूंगी, तो आप मेरे सक्सेस मंथ पेज और टेलीग्राम चैनल से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, अक्टूबर मंथ की सारी न्यूज़ करंट अफेयर्स ख़त्म होते ही। तो इसके 3-4 पार्ट्स और आएंगे, क्योंकि ये काफ़ी लेंदी है, हर एक एरिया से मैंने न्यूज़ कवर की है इसमें, तो इसमें ये लेंदी होगी और इसमें टाइम भी लगेगा। तो इसीलिए अगर आपको सारी न्यूज़ चाहिए तो थोड़ा सा आपको भी पेशेंसली इस सीरीज़ को देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमारी बहुत सारी सीरीज़ चल रही हैं, जिसका लिस्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, और आप हमारे चैनल पर जाके हमारे चैनल को विज़िट करके वहाँ से अपने काम की चीज़ें देख सकते हैं। अपने कैरियर को सक्सेस बनाने के लिए हमारा चैनल सक्सेस मंच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पार्ट वन में हमने किया था राष्ट्रीय घटनाक्रम, जो आपके सामने है। इसकी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी जब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा तो। इसके बाद हमने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम किया था, ये देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। आज हम करेंगे आर्थिक घटनाक्रम। भारत और विश्व की अर्थव्यवस्था में जो जो घटनाएं हुई हैं अक्टूबर के मंथ में, वो आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहली न्यूज़ है, विश्व बैंक तथा एशियन विकास बैंक के आकलन के अनुसार केरल में आई बाढ़ से कितने करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 25,050 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ये UPPSC MPPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि उसमें पॉइंट वाइज कितने रुपए का नुकसान हुआ है या कितने गेहूं का समर्थन मूल्य है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। लास्ट 5 ईयर्स का एनालिसिस बताता है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको करने इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बारे में आपको मैं और फैक्ट्स बता दूं, ये जो आकलन किया गया है ये औद्योगिक सेक्टर और बेरोजगार हुए लोगों के नुकसान को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है इस आकलन में, और केरल के पुनर्निर्माण के लिए नीदरलैंड द्वारा मदद पेश की गई है, जिसको प्रधानमंत्री ने हमें स्वीकृति दे दी है, मतलब उसकी सहमति प्रधानमंत्री ने दे दी है कि उससे मदद हम लोग स्वीकार करेंगे। किससे? नीदरलैंड से। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो केरल में आई बाढ़ थी उसमें किसने मदद की पेशकश की है भारत को, तो नीदरलैंड ने पेशकश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में जारी श्रेष्ठ 100 ग्लोबल ब्रांड 2018 की सूची के अनुसार विश्व का श्रेष्ठ ब्रांड बन गया है कौन में से? तो ये एप्पल है, एप्पल विश्व का श्रेष्ठ ब्रांड बन गया है। सेकेंड स्थान पे है गूगल, और इसी तरह थर्ड स्थान पे अमेजन थर्ड नंबर पे आता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे, चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही जो कि अप्रैल से सितंबर में होती है, मार्च एंड में हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, तो अप्रैल से सितंबर पहली 6 महीने होते हैं, में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह कितने परसेंट बढ़ा है, कितने परसेंट उसमें बढ़ोतरी हुई है? तो ये 14% की बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी बजट क्रंच जो कि दक्षिण एशिया की आर्थिक स्थिति पर एक रिपोर्ट है, जैसे बजट क्रंच कहा जाता है, में दक्षिण एशिया की वृद्धि दर 2018 में कितनी अनुमानित की गई है? तो ये अनुमानित की गई 6.9%। ये जो क्वेश्चन हैं ये ना UPPSC
और MPPSC का जो प्री है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और RO एग्जाम भी मेंस आने वाला है उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें भी आ सकता है। तो जिन्होंने मेंस क्लियर क्रैक किया है वो इस क्वेश्चनों को वन लाइनर है जरूर देखें, जरूर पढ़ें। इसी तरह इसमें अगले वर्ष जो 2019 में है वो वृद्धि 7.1 होने का अनुमान है, जैसे कि 2018 में 6.9 रहने का अनुमान है, तो जो 2019 में इन्होंने वर्ल्ड बैंक ने जो बजट क्रंच जारी किया है इसमें 7.1 रहने का अनुमान है। और मैं साथ में बता दूं कि 2016 में भारत की वृद्धि 7.1% और 2017 में 6.7% रही थी। विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट में भारतीय कंपनियों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण अपनी परियोजनाओं से प्रतिबंधित कर दिया है। विश्व बैंक ने कितनी कंपनियों को प्रतिबंधित किया है, कितनी भारतीय कंपनियों को अपनी परियोजनाओं से प्रतिबंधित किया है, तो विश्व बैंक ने 78 कंपनियों को अपनी परियोजना से प्रतिबंधित कर दिया है। इसमें ऑलिव हेल्थ केयर तथा जय मोदी के फर्जी वारंट के कारण विश्व बैंक ने लोगों को प्रतिबंधित किया है, मतलब दो कंपनियां हैं ऑलिव हेल्थ केयर और जय मोदी। ऑलिव हेल्थ केयर के बारे में थोड़ी सी मैं बात बता दूं कि इसको 105 वर्षों के लिए और जय मोदी को सिर्फ 5 वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने एंजेलिक इंटरनेशनल लिमिटेड को 45 साल के लिए प्रतिबंधित किया है, मतलब कुल मिलाकर 78 लोग और कंपनियां दोनों मिलाकर 78 हैं। तो ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज जिसने सोने और चांदी में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध लॉन्च किया है, तो ये है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका फुल फॉर्म है। इसने ही सोने और चांदी में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध लॉन्च किया है। भारत में अभी तक कमोडिटी डेरिवेटिव जो अनुबंध था, दो विशेष डेरिवेटिव एक्सचेंज जो कि MCX और MCDEX पर उपलब्ध थे। अब BSE के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, इसकी स्थापना 1875 में की गई थी और इस समय इसके जो प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब CEO हैं आशीष कुमार चौहान, ये इनके CEO हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICICI बैंक और किस ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी ने मिलकर को ब्रांडेड कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है, तो वो जो ट्रेवल एजेंसी है उसका नाम है मेक माई ट्रिप। तो ICICI बैंक ने दो तरह के क्रेडिट कार्ड इसमें पेश करेगा, जैसे मेक माई ट्रिप ICICI बैंक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड और मेक माई ट्रिप ICICI बैंक सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड, ये दो तरह के कार्ड, ये दोनों मिलकर ICICI बैंक और मेक माई ट्रिप मिलकर ये ब्रांडेड दो क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेंगे। आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग, हाल ही में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक में सुरक्षित पेयजल सेवा मुहैया कराने हेतु कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है लेकिन प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मान सकते हैं, तो 240 मिलियन डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। इस समझौते के तहत ये कहाँ पे किया गया, ये पश्चिम बंगाल के 3 जिलों के लिए किया गया है, जो है बांकुरा, उत्तर 24 परगना और पूर्वा मेदिनीपुर, ये 3 जिलों के लिए किया गया है जिसमें लगभग 1.65 मिलियन लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध होगा। और ये जो तीनों जिले हैं जिनके मैंने नाम बताए, ये तीनों आर्सेनिक, फ्लोराइड और लवणता से प्रभावित जिले हैं, मतलब कि यहाँ जल प्रदूषण का स्तर बहुत ही ज़्यादा ऊँचा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सरकार द्वारा आकस्मिक मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में किसानों के लिए प्रदत्त बीमा कवर मुआवजे की राशि में वृद्धि की घोषणा की गई है, तो ये घोषणा गुजरात सरकार ने की है। इस घोषणा से राज्य में करीब 1.75 करोड़ किसान जो होंगे वो लाभान्वित होंगे। और ये जो घोषणा की गई है इसमें आकस्मिक मृत्यु और अक्षमता की स्थिति में किसानों के लिए जो प्रदत्त बीमा कवर मुआवजे की राशि में 2 गुना बढ़ोतरी करने की घोषणा की है, और इसके तहत आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में मुआवजा राशि पहले 1 लाख रुपए थी जिसे अब बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है।
और आंशिक विकलांगता, अंग या आंख खोने की स्थिति में मुआवजे राशि को 50,000 थी पहले, अब 1,00,000 रुपए कर दिया गया है। और ये जो राशि दी जाएगी ये दुर्घटना बीमा योजना के तहत प्रदान की जाएगी। RBI के अनुसार दीर्घ अवधि के निवेश करने के इच्छुक को प्रोत्साहित करने के लिए स्वैच्छिक प्रतिधारक मार्ग नामक एक विशेष मार्ग प्रस्तावित किया गया। ये किसके संदर्भ में है, मतलब ये जो योजना शुरू की गई है स्वैच्छिक प्रतिधारक मार्ग, ये किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए शुरू की गई है? तो ये विदेश पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए ये योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा न्यूज़प्रिंट अखबारी कागज कंपनी नेपा लिमिटेड, नेपा का नाम आपने सुना होगा जो कि मध्य प्रदेश में एक कंपनी है, के पुनरुद्धार तथा मिल विकास योजना हेतु कितनी राशि का वित्तीय पैकेज उपलब्ध कराने हेतु मंजूरी प्रदान की गई है? तो 469.41 करोड़ रुपए, मोटा मोटा इसमें कहा जाएगा 470 करोड़ रुपए। तो ये MPPCS के लिए जो कि होने ही वाला है मार्च अप्रैल में, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये आप लोग टिक मार्क अपने में लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट में MP के लिए, ये इम्पोर्टेंट MP की खबर है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बता देती हूँ, नेपा के बारे में बता देती हूँ आपको। इसकी जो शुरुआत की गई थी 1947 में एक निजी उद्यमी द्वारा की गई थी, पहले ये निजी कंपनी थी नेपा। 1949 में मध्य प्रदेश सरकार ने इसका प्रबंधन अपने हाथ में लिया, 1949 में इसकी शुरुआत के 2 साल बाद। उसके बाद 1959 में इसे केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, 10 साल बाद राज्य सरकार ने जब इसको हाथ में लिया, उसके 10 साल बाद केंद्र सरकार ने लिया। और नेपा देश का प्रथम अखबारी कागज कारखाना है, ये आप लोगों को सबको पता होगा। और वर्ष 1981 तक ये भारत की एकमात्र अखबारी कागज के निर्माण की इकाई थी। उसके बाद भारत में कई न्यूज़ प्रिंट पेपर मिल शुरू हुए, कारखाने शुरू हुए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी नेपा के बारे में। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में UNCTAD अंकटाड ने वर्ष 2018 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित की है? तो ये की है 7%। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अंकटाड के बारे में मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड बता दूँ, इसकी हिस्ट्री। तो इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 30 दिसंबर 1964 को, मतलब कि 30 दिसंबर 1964 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अंतर्गत महासभा के स्थायी अंग के रूप में, ये महासभा का स्थायी एक अंग है, उसके रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इसके जो निर्माण हुआ था, जो संगठन की स्थापना हुई थी, इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। कारण मैं बता देती हूँ कुछ प्रमुख। विकसित और विकासशील देशों के मध्य बढ़ते हुए व्यापार अंतराल गेट के विरुद्ध विकासशील देशों में व्याप्त असंतोष, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं सहायता तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए एक नए संगठन की आवश्यकता थी, इस कारण से अंकटाड की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में सरकार द्वारा की गई वृद्धि कब से प्रभावी होगी? तो ये 1 अक्टूबर 2018 से प्रभावी होगी। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें लागू की गई हैं, जैसे PPF और सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज जो दरें थी वो 8% और 8.5% कर दी गई है। इसी तरह सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर सीनियर सिटीजन को 8.7% रिटर्न अब मिला करेगा। तो मतलब सरकार ने बहुत ही अच्छी योजना चलाई है हमारे बुजुर्गों के लिए और कई सरकारी योजनाओं में भागीदारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा भारत के लिए देसी भागीदारी फ्रेमवर्क प्रस्तावित किया गया है? तो ये प्रस्तावित किया गया है विश्व बैंक द्वारा, वर्ल्ड बैंक ने किया है। इसका जो उद्देश्य है वो कुछ प्रमुख विकास क्षमताओं जैसे संसाधन दक्षता एवं समावेशी विकास, रोजगार सृजन एवं मानव पूंजी निर्माण के समाधान के माध्यम से भारत के निम्न मध्यम आय देश से उच्च मध्यम आय देश में पारगमन को समर्थन देना है। मतलब कि भारत को अपनी मौजूदा जो स्थिति है उससे ऊपर उठाने के लिए विश्व बैंक ने ये फ्रेमवर्क प्रस्तावित किया है।
और इस फ्रेमवर्क से भारत को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC और बहुपक्षीय निवेश गारंटी निवेश MIGA से 25 से 30 मिलियन डॉलर का वित्तीय समर्थन प्राप्त होगा। तो ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर आई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अनुसार देश में 2022 तक FDI बढ़कर कितना हो जाएगा। तो भारत में FDI 100 अरब डॉलर के लगभग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नव विकास बैंक ने मध्य प्रदेश में बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए कितनी राशि का कर्ज मंजूर किया है। तो नव विकास बैंक मतलब कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसने 52.5 करोड़ डॉलर का जो ऋण देने का, जो कर्ज देने का ये मंजूर किया है इतनी राशि का। तो ये MP प्री के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है खबर। तो आप MP जो बच्चे देने जा रहे हैं वो ये क्वेश्चन स्टार मार्क करके नोट कर लेंगे। ये जो राशि दी जा रही है इसका जो मेन काम होगा, जो खर्च होगा, ये ग्रामीण इलाकों का राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग नेटवर्क से संपर्क बेहतर बनाने में इस राशि का खर्च होगा, मतलब इस राशि को खर्च किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं वैज्ञानिक घटनाक्रम की। अभी तक हमने देखा कि आर्थिक घटनाक्रम में क्या क्या खबरें थी, अब हम बात करेंगे वैज्ञानिक घटनाक्रम की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, 24 अक्टूबर 2018 को रिलायंस नवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा अगली पीढ़ी के किस प्रशिक्षण पोत का जलावरण संपन्न किया गया। तो ये किया गया ICGS वरुण का। ICGS वरुण के बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं। 3000 टन विस्थापन क्षमता का ये पोत है जो भारतीय तट रक्षक बल के लिए निर्मित अब तक का सबसे बड़ा पोत है ICGS वरुण। 105 मीटर लंबा यह पोत 10,400 किलोवाट के दो डीजल इंजनों द्वारा चालित है जो इसे 20 नॉट तक की गति प्रदान कर सकते हैं। और इस पोत का जो मुख्य कार्य है वो कैडेटों को समुद्री प्रशिक्षण प्रदान करना है। अब ये जो रिलायंस नवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड है इसके बारे में बता दूं, ये भारत की निजी क्षेत्र की पहली कंपनी है, ये आप लोग याद रख सकते हैं, जिसे युद्ध पोतों के निर्माण के लिए लाइसेंस दिया है सरकार ने। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व की पहली बायो इलेक्ट्रॉनिक दवा का आविष्कार किया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों ने ये किया है, जो कि वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ने किया है। और इसके बारे में बताऊं कि ये दवा एक बायोडिग्रेडेबल वायरलेस डिवाइस है जिसकी सहायता से जो क्षतिग्रस्त तंत्रिका कोशिकाएं हैं उनका उपचार किया जाएगा। और बायो इलेक्ट्रॉनिक दवा को ट्रांसमीटर की सहायता से शरीर के बाहर से ही कंट्रोल करेंगे, मतलब नियंत्रित शरीर के बाहर से ही करेंगे। और ये डिवाइस शरीर के अंदर 2 सप्ताह तक कार्य करेगी, इसके बाद अपने आप शरीर द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी। तो ये जो मेंस में साइंस के बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जो मेंस में साइंस लिखेंगे उसमें ये आप एग्जांपल के तौर पर डाल सकते हैं कि बायो इलेक्ट्रॉनिक दवा का आविष्कार USA द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनुसंधानकर्ताओं ने सौरमंडल के बाहर किस ग्रह के पहले उपग्रह की खोज की है। यह अनुसंधानकर्ता किस विश्वविद्यालय से संबंधित है, विद्यालय नहीं आएगा या विश्वविद्यालय से संबंधित है। तो ये संबंधित है कोलंबिया विश्वविद्यालय से। एक जर्नल है साइंस एडवांसेस, इसमें प्रकाशित एक रिपोर्ट में, ये जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई इसमें बताया गया कि किसी ग्रह के पहले उपग्रह की खोज की गई है जो कि सौरमंडल से बाहर है। और इसकी जो खोज की गई है वो नासा के हबल और कैप्लर अंतरिक्ष दूरबीनों की मदद से की गई थी। ये जो उपग्रह है जो नया खोजा गया है ये पृथ्वी से 8000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर सिग्नस तारामंडल में स्थित है और एक विशाल गैसीय ग्रह की परिक्रमा कर रहा है। ये गैसीय ग्रह भी कैप्लर 1625 नामक तारे का चक्कर लगा रहा है। नव अन्वेषित उपग्रह सौरमंडल के सबसे बड़े उपग्रह अर्थात बृहस्पति के उपग्रह गैनीमेड से भी काफ़ी बड़ा है। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है वैज्ञानिकों के लिए, इन्होंने काफ़ी तरक्की की है। और ये जो उपग्रह खोजा गया है ये नेपच्यून के आकार का लगभग है
तो इसके आकार जो कह सकते हैं हम हमारे जो ग्रह है नेपच्यून उससे काफी मिलता जुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार बायजर 2 ये अलग अलग है अंतरिक्ष यान अंतः तारकीय के निकट पहुंच चुका है। ये अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया था, तो ये जो लेटेस्ट न्यूज में चल रहा है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये प्रक्षेपित किया था अगस्त 1977 में। अब इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं, ये जो अंतरिक्ष यान है बायजर 2 इसके अंदर जो कॉस्मिक किरणें हैं उसकी वृद्धि अनुभव की गई है, और ये जो कॉस्मिक किरणें की वृद्धि अनुभव की जाती है ये सिर्फ सौरमंडल के बाहर ही उत्पन्न होती है। तो इससे पता चलता है कि ये सौरमंडल के बाहर पहुंच चुका है ये अंतरिक्ष यान। अब बायजर 2 का जो प्रक्षेपण किया गया था ये किया गया था 20 अगस्त 1977 में इसका प्रक्षेपण किया गया था, और ये बायजर कार्यक्रम का एक अंग है। 1977 में सौरमंडल उसके बाहर अंतरिक्ष की गतिविधियों को जानने के लिए उसका अध्ययन करने के लिए इसका प्रक्षेपण किया गया था, और इस प्रकार ये पहला ऐसा अंतरिक्ष यान है जो सौरमंडल के बाहर पहुंच चुका है, अंतरिक्ष में पहुंच चुका है सौरमंडल के बाहर। तो ये बायजर 2 ऐसा पहला अंतरिक्ष यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 8 अक्टूबर को किस देश ने परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम गौरी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो ये पाकिस्तान ने किया है। इस गौरी बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में मैं आपको बता दूं, ये 1300 किलोमीटर की दूरी तक जा सकती है ये मिसाइल, और इसका जो उद्देश्य है वो थल सेना के सामरिक बल कमान की संचालन एवं तकनीकी तैयारी की जांच करना है, और ये जो मिसाइल है ये सतह से सतह पर वार करती है, गौरी बैलिस्टिक मिसाइल जो पाकिस्तान ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया ने बहुत ही अच्छी तरक्की की है साइंस के क्षेत्र में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाल ही में नासा चंद्र स्पेस मिशन 2019 के सदस्य के रूप में किस भारतीय का चयन किया गया है, तो ये पीयूष शारदा का चयन किया गया है। अब इस मिशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, यह मिशन लगभग 2500 वर्ष पहले अंतरिक्ष में विस्फोट के बिखरे हुए तारों की तलाश से संबंधित है ये जो मिशन है, और ये नासा का चंद्र स्पेस मिशन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो नासा ने शुरू किया है। इसमें 16 वैज्ञानिक शामिल हैं, जिसमें से ये जो पीयूष शारदा हैं वो एकमात्र भारतीय हैं, तो भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। शेष जो 12 हैं वो अमेरिकन हैं, 1 जर्मन है और 2 जापानी इसमें शामिल हैं। अब पीयूष शारदा के बारे में बता दूं मैं, पीयूष शारदा मध्य प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं, तो ये एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आगे 15 अक्टूबर 2018 के मध्य, ये 7 से 15 अक्टूबर होगा, मतलब कि पूरी एक हफ्ते चली थी, तो 7 से 15 अक्टूबर 2018 के मध्य जापान भारत सामुद्रिक अभ्यास मैच के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। मैच नहीं आएगा यहाँ, जी मैक्स आएगा, JIMEX जी मैक्स, ये अभ्यास है जापान और भारत का, जी मैक्स नाम है इनका। तो इसका जो अभ्यास किया जा रहा है वो विशाखापट्टनम में किया जा रहा है, तो ये विशाखापट्टनम तो इम्पोर्टेंट जगह नहीं है, लेकिन ये जो अभ्यास है पूछा जा सकता है कि भारत और जापान के बीच सामुद्रिक जो अभ्यास किया जाता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है जी मैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अक्टूबर 2018 को भारत ने स्वदेश निर्मित परमाणु सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल का एकीकृत परीक्षण रेत से सफल परीक्षण किया है, इसकी मारक क्षमता क्या है, तो इसकी मारक क्षमता है 350 किलोमीटर। जो भारत ने यह परीक्षण किया है पृथ्वी 2 का, ये किया है बालासोर जिले के चांदीपुर से, और इसके बारे में और बता दूं कि ये जो पृथ्वी 2 मिसाइल है ये सतह से सतह पर मार करने वाली है, और इसका जो विकास किया गया है ये DRDO द्वारा, मतलब कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा किया गया है। इसकी लंबाई 9 मीटर है, ये एकल चरणीय द्रव प्रणोदक चालित मिसाइल है, यह 500 से 1000 किलोग्राम तक युद्ध शीर्ष ले जाने में सक्षम है,
इसकी जो पृथ्वी 2 की सेना में तैनाती जो हुई थी 2003 में हुई थी, और इससे पहले जो प्रशिक्षण किया गया था इसका परीक्षण वो 21 फरवरी 2018 को किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 सितंबर 2018 को भारत ने इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो ये किया बालासोर उड़ीसा में, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर किया। इस मिसाइल का भी निर्माण, जो इंटरसेप्टर मिसाइल है इसका भी निर्माण डीआरडीओ द्वारा किया गया है। आगे हमारा क्वेश्चन है, 3 अक्टूबर 2018 को भारत ने भूकंप और सुनामी प्रभावित किस देश की मदद के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री को लॉन्च किया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये आगे आने वाले प्री एग्जाम्स के लिए, और आरओआरओ मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये इंडोनेशिया के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री लॉन्च किया गया। इसका जो उद्देश्य था, इंडोनेशिया के सेंट्रल सुलावेशी प्रांत में जो भूकंप आया था और सुनामी आई थी, उस भूकंप के कारण जो सुनामी आई थी उसके में जो पीड़ित लोग थे उनकी सहायता करना है। इसमें भारतीय वायुसेना के 2 विमान C-130J और C-17 से राहत सामग्री के साथ साथ चिकित्सा दल को भी भारतीयों ने भेजा था, और इस विमान ने एक अस्पताल बनाने के लिए उपकरण, दवाएं, जनरेटर, टेंट आदि, पानी सब कुछ लेके गया था ये विमान। आगे क्वेश्चन की बात, ये इंडोनेशिया में जो भूकंप आया था ये आया था 28 सितंबर 2018 को, ये डेट मैं बता देती हूँ जिसके लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया था, 28 सितंबर को आया था, और इसकी जो तीव्रता थी वो थी 7.5 के करीब हुआ था। इससे काफ़ी भारी नुकसान हुआ था, लगभग 24 लाख लोग इससे प्रभावित हुए थे इस भूकंप और सुनामी से। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया इसमें, 24 से 26 सितंबर 2018 के मध्य 37वें तटरक्षक कमांडरों का सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? तो इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर नई दिल्ली में होते हैं, तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। और इसका जो उद्घाटन किया था वो किया था हमारी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने। तो आज हमारा आर्थिक परिदृश्य और वैज्ञानिक परिदृश्य यहीं पर ख़त्म होता है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। हाँ, थोड़ी लेंथी ज़रूर हो रही है, लेकिन मैंने एक एक चीज़ इसमें कवर की है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, इसीलिए थोड़ा सा आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। अगर पढ़ना है तो फिर ठीक से पढ़ना है, हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है अपनी स्टडी से, पूरी हर एक चीज़ एक एक चीज़ कवर करके साथ में लेकर चलनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, हमारे नेक्स्ट वीडियो का ऐसे ही वेट कीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।